जिले की सिवनी मालवा विधानसभा में रेत का काला कारोबार जोरों पर चल रहा है। रेत चोरी को लेकर इसमें लिप्त लोगों के प्रशासन और पुलिस चुप्पी के चलते हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इनके बुलंद हौसले इतने बढ़ते जा रहे हैं कि शनिवार की सुबह विधानसभा क्षेत्र के ग्राम आयपा में रहने वाले एक बच्चे सहित तीन लोगों की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई। सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में रेत के काले कारोबार ने जहां तीन लोगों की जान ले ली, तो वहीं पुलिस और प्रशासन इस पूरे हत्याकांड को जमीनी विवाद का रूप देता रहा। हालांकि मृतक के परिजन इस हत्या का कारण रेत विवाद बता रहा है। उनका कहना है कि जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं था, जो भी विवाद था वह रेत के कारोबार को लेकर था, लेकिन पुलिस और प्रशासन इसे जमीन का विवाद बताते रहे। के यदुवंशी की रिपोर्ट। मेरा नाम डोरीलाल सर। ये जो जिन लोगों की हत्या हुई है वो आपके कौन थे? मेरे भांजे हैं सर। क्या विवाद था? इनका विवाद था, इन लोगों ये रेत लाते थे नवाजी से, और लाने के बाद में इनने बोले इनकी ताली पकड़ाई, अधिकारी लोग ने पकड़ी तो बोले नाराजी ने पकड़ाई, उस पर से ये उनको मार डाला सर।